हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, इतनी देर से अभी हम पढ़ रहे हैं, इतनी देर से काफी देर से हम पढ़े जा रहे हैं, तो है ना ऑक्सीटोसिन आएगा क्या यहाँ पर? नहीं। प्रोलैक्टिन आएगा क्या? नहीं। वैसोप्रेसिन आएगा क्या? बिल्कुल सही। तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की यदि हम बात करें, जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करवाता है? वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन करवाता है ये, जैसे यूट्राइन मसल्स का कंट्रैक्शन करवाएगा, यूट्राइन मसल्स का कंट्रैक्शन करवाएगा तो बर्थ में हेल्प करेगा, बर्थ में हेल्प करेगा, तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, या मैं इसको चाइल्ड डिलीवरी कर देती हूँ, पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। पार्चुरेशन है चाइल्ड बर्थ, तो इसी की वजह से इसे हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा किस में हेल्प करता है ये? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। तो आप देख लीजिए ये ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन है। इसके बाद यदि हम देखें प्रोलैक्टिन का, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हमारे पास एक काम करेगा, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट में मदद करता है, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट प्लस मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप देख लीजिए ये सारे किसके फंक्शन हो जाएंगे? ये सारे प्रोलैक्टिन के फंक्शन हो जाएंगे, फाइन। तो ये हमारा आप देख लीजिए इन दोनों हार्मोन के फंक्शन है। तो इन दोनों हार्मोन के फंक्शन में कहीं पर भी ऑस्मो रेगुलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है? एडीएच करता है। कैसे करता है? थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है डीसीटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन की कैटेगरी इजी कैटेगरी, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन।